बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों SBI कंपनी ये है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है और BSE NSE दोनों में लिस्टिंग है। 1253 रुपये में शेयर का भाव चल रहा है। और दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फंडामेंटल अभी कैसा है, पूरा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एनालिसिस वीडियो आपको पर डे देखने के लिए मिल जाएगा। 5 डे की चार्ट पैटर्न में अच्छा रिटर्न कंपनी दिया है, 1 मंथ की चार्ट पैटर्न में अच्छा रिटर्न, 6 महीने की चार्ट पैटर्न में 12% की एक शानदार रिटर्न कंपनी यहाँ पर शेयर होल्डर को दिया है। अगर मैं 5 ईयर की चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों देखिए, 1000 रुपये में शेयर मिल रहा था, कोविड के टाइम पर गिरकर हो गया 600, यानी 400 रुपया डाउन हो गया। जो लोग यहाँ पर बाय किए होंगे, अभी तक होल्ड किए होंगे, उनको एक कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दिया है यहाँ पर। क्या अभी भी दे सकता है? दोस्तों जरूर से दे सकता है। हमारा टारगेट 1500 का है। लाइफ टाइम हाई भी देखोगे यहाँ तक नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1500 तो कैसे यार जा पाएगा। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, 80% की ऑल टाइम रिटर्न है, 696 करके लिस्टिंग हुआ था 2017 में, यहाँ पर हाई, उसके बाद लो, फिर से हाई, फिर से लो, फिर से हाई, और अभी लो में चल रहा है, फिर से एक लाइफ टाइम हाई बनाएगा, 1500 तक ऐसे यार जा पाएगा। ठीक है, अगर हम लोग NSE के डाटा ऐसे यार का देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज की डेट में भारी भरकम बाय सेल चल रहा है। 62% की माल उठाया गया है डिलीवरी में, जो कि अच्छा बात है। 1340 हाई है, मैं 1500 का टारगेट दे रहा हूँ, 1000 लो है, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कंपनी 21 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेरेशन किया था, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन कंपनी अच्छा है, ऊपर जा सकता है। प्रमोटर होल्डिंग 1 भी शेयर ग्रुप ने, जो कि अच्छा बात है। अगर हम लोग पूरा डिटेल्स में शेयर को देखेंगे, BSE NSE दोनों में कंपनी लिस्टिंग है और एक लार्ज मार्केट कैप कंपनी के पास है, 1,25,000 करोड़ का दोस्तों। और दोस्तों आप देखोगे कर्जा मुक्त कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि 2 प्लस पॉइंट है। रिजर्व अच्छा रखा है, एसेट अच्छा रखा है, प्रॉफिट में कंपनी चल रहा है, फ्री कैश भी रखा है, वॉल्यूम अच्छा है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, नेटवर्थ अच्छा है, यानी कंपनी फंडामेंटली पूरा स्ट्रांग हम लोग को नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, ROE भी अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा है, बुक वैल्यू से ऊपर शेयर मिल रहा है, डिविडेंड लेकिन कम देता है, यानी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। नीचे जाएंगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इंश्योरेंस में काम करता है, इंडस्ट्री इसका फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है, और ये सेकेंड नंबर पर आता है दोस्तों। क्वार्टरली अगर परफॉर्मेंस चेक करोगे ठीक हुआ है, ऑपरेटर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। ईयरली कारोबार देखोगे ठीक हुआ है, ऑपरेटर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, जो कि अच्छा बात है। और अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, डिविडेंड पे आउट थोड़ा सा गिरा है, सेल ग्रोथ माइनस है थोड़ा सा, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है। एसेट देखोगे एसेट में दोस्तों ग्रोथ है, नेट कैश फ्लो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा नीचे गिरा है, आप देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर होल्डिंग देखोगे, प्रमोटर 55, FI वाले 24, DI वाले 15%, पब्लिक 4.56, तो सारा पैरामीटर को देखने के बाद लॉन्ग टर्म की नजर लेकर आओगे 1500 तक ऐसे यार जा सकता है, 1500 तक। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं को नेशन टेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।